जी हाँ, अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है। और दोस्तों, आज से हमारे पूरे भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 नवंबर 2020 तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान जारी कर दिया है। तो आखिरकार क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉकडाउन का ऐलान जारी किया है? और दोस्तों, इस आपके लॉकडाउन के दौरान आपके 15 अक्टूबर 2020 को आपके स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। और आपके लॉकडाउन के दौरान हमारे भारत की सरकार ने 144 धारा लागू करने का भी फैसला कर लिया है। तो आइए आज लॉकडाउन के बारे में जो हमारे भारत की सरकार ने आपको नई जानकारी दी है, इसके बारे में हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नली रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलता हूं आपको आज की बेहद ही लेटेस्ट अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारे होम स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने बताया इस तारीख तक बंद रहेंगे सभी आपके स्कूल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे भारत के शिक्षा मंत्री ने बहुत यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी कर दिया है। और दोस्तों, इस आर्टिकल में यह साफ साफ क्लियर हो गया है कि आपके 15 अक्टूबर 2020 को भी कहीं पर भी आपके स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। और यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी लिखी गई है कि हमारे भारत में जो महामारी चल रही है उसके बढ़ते मामलों को देख करके लगभग सभी राज्यों में फिर से आपका वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, जहाँ जहाँ पर आपके लॉकडाउन का ऐलान किया गया है वहाँ वहाँ पर आपके कहीं पर भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। और दोस्तों, बता दें कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में अब तक मरीजों की संख्या 15,17,434 पार हो चुकी है और लगातार हमारे ऐसे ही महामारी सभी राज्य में फैल रही है। इसीलिए हमारे भारत की सरकार ने लगभग आपके महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान ऐसे करके कई आपके राज्य हैं जहां पर आपका वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है, क्योंकि हमारे इन सभी राज्य में बहुत ही ज्यादा मरीजों की संख्या मिल रही थी। इसीलिए हमारे मोदी सरकार ने आपके इन सभी राज्यों में फिर से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान जारी कर दिया है। और यहां पर स्कूल खोलने के बारे में सारी जानकारी बताई गई है कि जब हम विभिन्न विकल्पों की खोज कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि स्कूल दिवाली से पहले नहीं खुलेंगे। राज्य के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में स्कूल को फिर से खोलने का सवाल नहीं उठता है। और बता दें कि हमारे भारत में जो महामारी लगातार बढ़ती जा रही है उसके बढ़ते संक्रमण को देख करके हमारे मोदी सरकार ने लगभग सभी राज्य में 17 नवंबर 2020 तक स्कूल खोलने का ऐलान जारी कर दिया है। और यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा भी गया है, स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान का मतलब है कि अब 17 नवंबर से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि 14 नवंबर दिन शनिवार को दिवाली है और आपके 15 नवंबर को रविवार है और आपके 16 नवंबर को भी यही त्यौहार दोबारा से पड़ता है, इसलिए आपके 16 नवंबर को भी स्कूल नहीं खुलेंगे। और ऐसे में आपको एक शॉर्ट तरीके से और सिंपल तरीके से बता दी जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे भारत में जितने भी आपके स्कूल कॉलेज हैं उन सभी को 17 नवंबर 2020 तक खोलने का ऐलान जारी कर दिया है। और इस आपके 17 नवंबर 2020 के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान जारी किया है और इसके साथ ही साथ लगभग सभी राज्य में 144 धारा भी लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य की भी कोई यहाँ पर स्कूल कॉलेज या लॉकडाउन से कोई भी यहाँ पर खबर आएगी तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर जरूर जाहिर कर दूंगा। तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर लॉकडाउन से संबंधित और स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बड़ी जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज के लिए और ताजा ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वाईफाई ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।